बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग कार्बन और इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन कर रहे थे। कार्बन और उसके यौगिकों में ही लास्ट में हम लोगों ने अब डिस्कस कर रहे हैं साबुन के बारे में, साबुन डिटर्जेंट और उसका जो क्लीनिंग एक्शन है, साबुन और डिटर्जेंट कपड़े को कैसे साफ करते हैं इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो साबुन बनता कैसे है, साबुन बनाने के बारे में हम लोगों ने अम्ल क्षार लवण एसिड बेस साल्ट में भी पढ़ा है, क्योंकि किसी भी बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसी भी बेस की रिएक्शन तेल या वसा, ऑयल या फैट से करा दी जाती है तो साबुन बनता है, सोप बनता है। तो साबुन बनाने की क्रिया किसके द्वारा होती है, क्षार के द्वारा, बेस के द्वारा। कोई भी बेस हो, सामान्यतः हम लोग साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन, उसकी क्रिया किससे करा देते हैं, तेल या वसा, ऑयल या फैट से, किसी भी प्लांट से जो प्राप्त होता है तेल या कोई वसा या फैट, तो साबुन बन जाता है। और डिटर्जेंट बनाने के लिए लॉरिल अल्कोहल की क्रिया अम्ल और क्षार दोनों से कराई जाती है। डिटर्जेंट बनाने के लिए लॉरिल अल्कोहल की क्रिया अम्ल और क्षार दोनों से कराई जाती तब डिटर्जेंट प्राप्त होता है। तो डिटर्जेंट को हिंदी में अपमार्जक कहते हैं। तो डिटर्जेंट या अपमार्जक अलग चीज है और साबुन या सोप अलग चीज है, ठीक है ना। साबुन जो बनता है उसमें क्षार या बेस की क्रिया ऑयल या फैट से कराते हैं, जबकि डिटर्जेंट या अपमार्जक इसको हिंदी में कहते हैं। डिटर्जेंट या अपमार्जक बनाने के लिए लॉरिल अल्कोहल की क्रिया किससे कराई जाती है, अम्ल और क्षार, एसिड और बेस दोनों से कराई जाती है, तब डिटर्जेंट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से पहले देखते हैं यहाँ पर साबुन, साबुन किससे क्रिया कराई जाती है, ग्लिसराइड। ग्लिसराइड क्या है, ये कोई तेल या साबुन है। तो यहाँ पर ये क्या है, CH2, 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 यहाँ पर ये C-O लगा हुआ है, C-O या क्या एस्टर है, तो ये मोस्टली ट्राई एस्टर होता है, तीन एस्टर लगे हुए, तो ये ट्राई एस्टर से। और अलग अलग तेल या अलग अलग वसा जो होती हैं, अलग अलग फैट या ऑयल जो होते हैं, उसमें ये एल्किल ग्रुप बदल जाता है। जैसे कि यहाँ ये C17H35 है, ठीक है ना, तो किसी में 13 हो सकता है ये कार्बन, किसी में 14 हो सकता है, किसी में 15 हो सकता है, किसी में 16 हो सकता है, तो ये कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या बदल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 17, हाइड्रोजन की 35, मतलब 17 × 34 और 1 × 35, मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से एक ज्यादा है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर जो 13 होगा तो 13 × 26 और 1 × 27, तो कार्बन 13 होगा तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 27, ठीक है ना। तो अलग अलग पौधों से या अलग अलग प्रकार के तेल या वसा की जो होती है उसमें ये एल्किल ग्रुप बदल जाएगा, बाकी ये जो एस्टर है और इधर का ये पोर्शन स्ट्रक्चर है ये सब वही रहेगा। तो ये इन्हें कॉमनली हम ग्लिसराइड भी कहते हैं, लेकिन इसमें तीन एस्टर लगे तो इसे क्या कहते हैं, ट्राई एस्टर्स भी कहते हैं। तो वास्तव में जो ऑयल या फैट होता है, तेल या वसा होता है, वो क्या होता है, वो ट्राई एस्टर्स होता है या ग्लिसराइड होता है। अब इसकी क्रिया किससे कराते हैं, क्षार से। क्षार यहाँ पर NaOH भी ले सकते हैं और KOH भी ले सकते हैं, क्योंकि तीन एस्टर हैं, 1, 2, 3, तो तीन ये भी ले लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये पूरा C17S35, C17S35, C17S35 ये तीन है, तो तीन ये C17S35 हो गए, और इसके बाद तीन C-O है, 1, 2, 3, तो ये 3 C-O है, और इनसे क्या लग गया, ये Na लास्ट में लग गया, तीन थे, तो ये क्या बन गया, साबुन। तीन अणु है, C17S35C-O Na, सोडियम के एस्टर साल्ट होते हैं साबुन। और इधर जो ये CH2 बचा था, इसकी क्रिया किससे हो जाएगी, OH, Na तो इससे जुड़ गया,
और OH इससे जुड़ जाएगा, तो CH2 इससे तीनों से OH लग गया, तो ये बन गया ग्लिसरॉल। तो ये तेल या वसा की क्रिया या ट्राइएस्टर की क्रिया या ग्लिसराइड की क्रिया, ग्लिसराइड इस रासायनिक रूप से तेल या वसा को ट्राइएस्टर या ग्लिसराइड कहते हैं, है ना। और किसी भी यहाँ पर NaOH KOH भी ले सकते हैं, और यहाँ पर अलग अलग तेल या वसा होगा तो इसमें ये एल्किल ग्रुप की संख्या ये बदल जाएगी, है ना, बताया जैसे कि कार्बोनाइड्रेट। तो ये ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है और साबुन प्राप्त होता है, साबुन और ग्लिसरॉल एक साथ प्राप्त होता है। इससे साबुन को निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें जब साबुन बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक मिला देते हैं, NaCl। नमक मिलाने से क्या होता है, जो साबुन होता है वो ठोस रूप में बदल जाता है। नमक मिलाने से साबुन ठोस रूप में बदल जाता है, तो उसको छान के अलग कर लेते हैं, और ग्लिसरॉल द्रव के रूप में ही बना रहता है। तो इस प्रकार से साबुन बनाते समय साबुन को ग्लिसरॉल से अलग करने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक मिला देते हैं। नमक मिलाने से साबुन जो होता है, सोप जो होता है, वो ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे छान के अलग कर लेते हैं और ग्लिसरॉल अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से साबुन बनाया जाता है। तो साबुन बनाने की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, और साबुन और क्षार की क्रिया कैसी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा निकलती है। तो जब साबुन बनाते हैं तो तेल या घी में वसा में जो क्षार मिलाते हैं, क्षार को पानी में घोल लेते हैं पहले NaOH या KOH को, और उसके बाद उसको तेल या वसा में बहुत धीरे धीरे मिलाते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, और एक लकड़ी से चलाते रहते हैं ताकि ऊष्मा एक जगह इकट्ठा ना हो। अगर एक जगह इकट्ठा हो जाएगी तो तेल या वसा में आग लग जाएगी, ऊष्मा छिपी, इसमें ऊष्मा अपने आप उत्पन्न होती है तेल या वसा की जब क्षार से क्रिया कराते हैं। इसमें इसको गर्म नहीं करना पड़ता, ऊष्मा नहीं देनी पड़ती, ये क्रिया अपने आप होती है, क्योंकि यह क्रिया ऊष्मा छेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो धीरे धीरे क्षार को उसमें मिलाए, और जब पूरा मिला देते तो क्रिया पूरी हो गई। फिर उसमें साबुन को निकालने के लिए क्या करते हैं, उसी में क्षार मिलाने के बाद थोड़ा सा नमक मिला देते हैं। नमक मिलाने से साबुन ठोस रूप में परिवर्तित हो गया, तो साबुन के अलग निकाल लेते हैं, ग्लिसरॉल अलग हो जाते हैं। और ग्लिसरॉल मार्केट में मेडिकल स्टोर में ग्लिसरीन के रूप में मिलता है, हम मार्केट में ग्लिसरॉल को ग्लिसरीन के रूप में प्राप्त करते हैं, जो बहुत ही गाढ़ा द्रव होता है। तो जैसे किसी को मुहा वगैरह हो जाते हैं, मुँह में छाले पड़ जाते हैं, तो उसमें ग्लिसरीन लगाई जाती है, तो यही ग्लिसरॉल होता है। तो ग्लिसरॉल का और भी बहुत उपयोग है, तो सामान्य तौर पर मैंने उपयोग बता दिया। मार्केट में ग्लिसरॉल को ग्लिसरीन के रूप में बेचा जाता है, और ग्लिसरीन मुंह में छालों में दवा के रूप में इस्तेमाल होती है। इसी के पश्चात साबुन कपड़ों को कैसे साफ करता है, तो साबुन कपड़ों को कैसे साफ करता है, तो इसमें एक चीज़ आती है मिसल। मिसल क्या होती है, तो ये जो साबुन है C17S35C00, यानी तो इसकी जो संरचना होती है वो इस तरह से, ये टेढ़ी मेढ़ी लंबी लाइन है कार्बन की, और ये इधर है, तो ये C17S35C00 है ना, C00, और Na+ होगा, और ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, माइनस, है ना, ये पूरा पोर्शन माइनस, और सोडियम Na+ अलग हट जाएगा। जब पानी में घोलेंगे, साबुन पानी में घुलेगा, तो ये Na+ अलग हो गया, और ये C17S35C00 यानी ये माइनस है, ये अलग हो गया। तो ये यहाँ पर C00, तो ये हो गया, है ना, और जिसके ऊपर माइनस चार्ज है C00, और ये C17 कार्बन-17 की एक लंबी लाइन है, है ना। तो इसमें जो एल्किल ग्रुप है C17S35, ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। ये जो साबुन का अणु होता है उसके दो सिरे होते हैं, है ना, Na+ को हटा दें तो C17S35 की ये दो सिरे हैं, है? एक हाइड्रोफोबिक होता है या जल रागी होता है, हाइड्रोफोबिक या इसे जल विरागी कहते हैं, हाइड्रोफोबिक या जल विरागी, जो जल से दूर भागता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, और फोबिक माने डरने वाला, जल से डरने वाला, जल से डरने वाला मतलब जल से दूर भागने वाला, तो ये हाइड्रोफोबिक या जल विरागी होता है।
जो जल से दूर भागता है ना, ये एल्किल ग्रुप होता है जिसमें C17H35। ये एल्किल ग्रुप कैसा होता है, जल विलायकी होता है। और जो COO ग्रुप है ना, ये इधर माइनस वाला, ये कैसा हाइड्रोफिलिक होता है, जल रागी होता है, मतलब जल के साथ रहना चाहता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। C डबल ओ क्या है, जल रागी है, हाइड्रोफिलिक है, ये जल के साथ रहना चाहता है। और हाइड्रोफोबिक जो एल्किल ग्रुप है C17H35, ये जल से दूर भागता है, तो इसको एल्किल ग्रुप को कहते हैं हाइड्रोफोबिक या जल विरागी या जल भीरू। और ये जो COO ग्रुप होता है, ये जल कैसा होता है, फिलिक, ये जल के साथ रहने, तो ये हाइड्रोफोबिक जल से दूर भागने वाला, जल विरागी, और हाइड्रोफिलिक जल रागी, मतलब जल के पास रहने वाला। तो ये दो सिरे होते हैं, ये सिरा कैसा है COO, ये हाइड्रोफिलिक या जल रागी होता है, और ये एल्किल ग्रुप कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक या जल विरागी या जल विरुद्ध से दूर भागने वाला। तो ये लंबी श्रृंखला है जो है हाइड्रोफोबिक। तो इस प्रकार से ये जल जो साबुन का अणु होता है उसकी संरचना ये होती है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक। अब ये इस साबुन के अणु के द्वारा ये एक मिसल बनता है, एक चक्रीय श्रृंखला बनाई है, ये संरचना बनती है। इसमें क्या होता है, सोडियम तो आयनिक होके बाहर अलग हट जाता है, और ये पूरी किसकी श्रृंखला है, C17H35COO है ना। तो ये गोला जो बना है ये COO है, ये क्या है, COO है ना, और COO है, इस पर माइनस चार्ज होता है। और ये जो लंबी टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिख रही है, ये एल्किल ग्रुप की है, ये किसकी है, एल्किल ग्रुप की है। तो ये जो एल्किल ग्रुप होता है, लंबी श्रृंखला होती है, ये हाइड्रोफोबिक होती है, जल से दूर भागने वाली होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये पूरे जो जल के अणु, ये अणु होते हैं साबुन का जिस पर माइनस चार्ज होता है, ये पूरा एक घूम करके लंबी श्रृंखला ये गोलाई से बन जाती है, और यहाँ Na प्लस होता है बाहर आयनिक रूप में, और इस पर माइनस चार्ज है, और इसके सेंटर में यहाँ पर केंद्र में जो कपड़ों की गंदगी होती है, किसी पदार्थ की गंदगी होती है जिसको कि साबुन से साफ किया जाता है, तो उसकी सारी गंदगी यहाँ पर आ जाती है केंद्र में इकट्ठी हो जाती है, ग्रीसी डर्ट, यहाँ पर गंदगी इकट्ठी होती रहती है, ठीक है ना। तो जल रागी जो होता है वो क्रिया कर जाता है, जल रागी या हाइड्रोफिलिक कपड़े से, गंदगी से, पानी में क्रिया कर जाता है, और जो हाइड्रोफोबिक होता है, ये जल भीरू होता है, तो ये गंदगी को लेकर के पानी की सतह पर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, और गंदगी कहाँ इकट्ठी हो जाती है, केंद्र में इकट्ठी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो संरचना बनती है इसी को मिसल कहते हैं। तो व्हाट इज मिसल, तो ये जल, ये जो साबुन के अणु होते हैं, सोप के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके द्वारा ये इस प्रकार की संरचना जो बनती है ये मिसल कहलाती है, और इसके द्वारा एक कोलाइडिंग विलयन, एक गाढ़ा विलयन बन जाता है, जिसे कि हम कोलाइडर सॉल्यूशन कहते हैं, कोलाइडिंग विलयन बन जाता है, ठीक है ना। और इसमें जो ये आयनिक पार्ट होता है माइनस वाला, ये कैसा रहता है, अंदर रहता है, और जो हाइड्रो कार्बन होता है, ये लंबी चेन होती है, ये पूंछ जो होती है बाहर की तरफ रहती है ना, बाहर की तरफ रहती, तो बाहर ये अंदर रहते हैं और ये बाहर की तरफ रहता है ना। तो इससे क्या होता है, बाहर की तरफ रहने के बाद जो गंदगी के अणु होते हैं वो सब वाटर के सरफेस पर आ जाते हैं, और गंदगी इसकी साफ हो जाती। तो इस प्रकार से ये जो, ये जैसे गोल में दिखाया गया, लेकिन होता ये बिल्कुल स्फेरिकल गोल है, राउंडेड स्फेरिकल होता है पूरा, यहाँ पर ये हमने सर्किल के रूप में दिखाया, लेकिन होता ये एकदम गोल है, चारों तरफ से ये गोलाई में ये बनता है, ठीक है ना। तो इसमें ये माइनस चार्ज, ये प्लस अलग उठ गया, ये क्या है, COO एस्टर, और ये लंबी श्रृंखला एल्किल की है, और ये जो आयनिक पार्ट है, आयनिक पार्ट कैसा रहता है, अंदर की तरफ रहता है, और ये जो लंबी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन की ये बाहर की तरफ रहती है ना, हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला पूंछ जो है बाहर की तरफ रहती, और इसी के बीच में गंदगी कण रहते हैं, तो ये सब बाहर की तरफ चलती रहती, गंदगी अपने आप बाहर आ जाती है। तो ये मिसल क्या होता है, ये संरचना होती है जो कि
साबुन के अणु के द्वारा बनती है और गंदगी इसके मैल में जो केंद्र में इकट्ठी होती रहती है और इसके द्वारा एक कोलाइडल गाढ़ा विलयन बनता है। साबुन की एक विशेषता होती है कि साबुन हार्ड वाटर जो कठोर जल होता है हार्ड वाटर होता है उसमें काम नहीं करता। कठोर जल किसे कहते हैं? जिसमें साल्ट या लवण ज़्यादा मिले होते हैं। जो जमीन के अंदर से बोरिंग का पानी आता है उसमें साल्ट बहुत ज़्यादा होती है। उसमें किसके किसके साल्ट होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट क्लोराइड और सल्फेट के आयन होते हैं। कठोर जल में जो जमीन के अंदर से निकलता है कठोर जल या हार्ड वाटर उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट क्लोराइड और सल्फेट के अणु मिले होते हैं। तो इसके होने के कारण जिसमें कि पानी में लवण ज़्यादा मिले हैं साल्ट ज़्यादा मिले हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो उसमें क्या होता है कि जो ये साबुन का अणु है इसमें Na की जगह सोडियम की जगह कैल्शियम और मैग्नीशियम जुड़ जाता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम जुड़ने से क्या होता है वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, जल में घुलता नहीं, और जल में जब घुलेगा नहीं ये पूरा ये अवक्षेप के रूप में आ जाता है। साबुन का अणु अवक्षेप के रूप में पानी के साथ घुल के बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो जिससे कि ये पानी में घुलता नहीं अवक्षेप के रूप में जाता तो कपड़े फिर साफ नहीं होते। तो जो साबुन होता है वो कठोर जल में हार्ड वाटर में कपड़ों को साफ नहीं कर पाता है, तो ये इसकी विशेषता रहेगी। जो सॉफ्ट वाटर होगा जिसमें लवण या साल्ट कम मिले होंगे उसमें साबुन अच्छा काम करता है। तो इस प्रकार से साबुन कैसे बनता है और साबुन कपड़ों को गंदगी को कैसे साफ करता है और मिसल क्या होता है और इसके जो साबुन के अणु मिसल कैसे बनाते हैं और ये कैसे कार्य करता है वो हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। और इसके बाद नेक्स्ट टर्म पर नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करें।